यार तू भी अजीब बातें करती है, सीने में थोड़ी जलन है, मार थोड़ी गया हूँ। हाँ ऐसे ना कहे मेरे राजा, भगवान ना करे तुझे कुछ हो, तेरी आई मुझे आ जाए। अच्छा अगर तू मर गई तो मेरा क्या होगा? चल दोनों के मरने का प्रोग्राम करते, बता क्या करूँ? मेरे पास आ जा, तबीयत खराब के साथ काम ना कर तो अच्छा होगा। शाम में आऊंगा ना, अभी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती जी, तेरी दो टकिया की नौकरी, बस आ जाओ ना मेरा मिट्टू मेरे पास। वो तू समझती क्यों नहीं है, जब से पर्ची वालों को पकड़ा है रेंजर ने, हाजी साहब के घर वालों ने दुकान पे नहीं बैठने दिया। अरे वाह, हाजी का परिवार और तू लावारिस है, जल्दी आ वरना मैं आती हूँ। खबरदार जो तू घर से निकली। वो मालिक है, मैं मुलाजिम हूँ, मालिक की जब मर्जी आए। तू मेरी कोई बात नहीं मानता रतन। अच्छा बस कौन सी बात नहीं मानता? मेरी मर्जी से ना तू दवा खाता है और ना मुझे घुमाने ले जाता है। आए, शहर के हालात अच्छे हो गए हैं, ले जाऊंगा घुमाने। देख तेरा सीना जल रहा है और पेट में भी तेजाबियत है, दवा ले आओ तो खाएगा ना। अच्छा ठीक है मेरी जान, लेकिन सुन, सीना जलने वाली दवा खिलाना, बच्चा पैदा करने वाली नहीं। ठीक है मेरे राजा, बस तू जल्दी से आ जा। चल रे नथु हकीम, आज तेरे हिसाब किताब की रात। चुन चुन बाजे पायल बाजे सावरिया, हराम। क्या यार, लोग चुप चुपाते बड़ा बड़ा काम कर जाते, मैं हमेशा ही पकड़ा जाता हूँ। भोला है ना, मिच्छू है मेरा, इसीलिए पकड़ा जाता है। राम पता नहीं कब नींद आ गई, आंख लग गई, पता ही नहीं चला, और सपनों में भी बस तू ही तू था मेरे राजा। अच्छा किया ना तूने भी थोड़ा आराम कर लिया, सारा दिन घूमती रहती मेरे पीछे, इधर उधर भागती रहती, थकती नहीं है? नहीं रे, मेरी तो समझ में नहीं आता कि तेरे लिए और क्या क्या करूं। मुझे इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है कि जी चाहता है नन्नी मुन्नी होके तेरी गोद में बैठ जाऊं और फिर तेरे सीने में छुप जाऊं। सीने से याद आया, ठंडा दूध ला दे। क्या अभी जल रहा है तेरा सीना? हाँ, बिल्लू ने मेडिकल स्टोर से गोली ला के दी थी लेकिन आराम नहीं आया। अरे तू चिंता क्यों करता है मेरे राजा, एक दवाई ऐसी दूंगी तू देखियो, रात तक बिल्कुल भला चंगा हो जाएगा तू। नंदिनी, घर में पुलिस आई थी, तूने बताया नहीं मुझे। हाय राम, मुझे तो नहीं पता पुलिस। वो ठेकेदार के कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में काका भी शक कर रहे। मैं सीता से पूछ कर आऊं? नहीं नहीं, सीता से मेरी बात हो गई। खैर अभी तो थाने से एक ही बार आए लोग, भगवान करे कातिल जल्दी पकड़ा जाए, वरना काका को बहुत परेशान करेंगे। ठेकेदार की लाश को तो तूने भी छुआ था, कहीं तेरा तो नहीं पूछा उन्होंने? और तो पूछ ले, मैंने कौन सा कत्ल किया? नारे रतन, अगर तुझे उन्होंने हाथ भी लगाया ना तो मैं जुलूस निकालूंगी पुलिस के खिलाफ। हाँ थाने में बड़ा कुछ होता है रे। और कुछ नहीं होता, मुझे फिक्र मत कर, अब इस बात पे फड्डा ना कर लेना किसी से। अच्छा ना, गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं अभी लेकर आती तेरे लिए दवा भी और ठंडा ठंडा दूध भी। बात सुन मेरी नंदी, दवा के नाम पे तू मुझे ताकत का कुश्ता तो नहीं खिला रही? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मार देना मेरी जान, मेरे मिट्टू, मरी तो मैं वैसे ही जा रही हूँ माँ बनने के लिए। वैसे ये हकीम कहता क्या है? हकीम ने कहा अब की बार तो ये दवा जरूर काम करेगी, देखना तो सही। मैं अभी आई।